शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आयुष्मान भारत योजना की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सुरेश कुमार खन्ना, चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त मंत्री ने सोमवार को आयुष्मान दिवस के मौके पर गन्ना शोध परिषद के सभागार में कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1946 से 2016 तक प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, वहीं हमारी सरकार आने के बाद से 15 सरकारी कॉलेज बनवाए जा चुके हैं, जिनमें से 7 में MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, जबकि 15 और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार सालाना 5 लाख तक मुफ्त में इलाज करवा सकता है। इसके तहत लाभुक देश भर के ऐसे किसी भी निजी सरकारी अस्पताल में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं, जो सरकार के पैनल में शामिल हैं। वहीं आयुष्मान योजना के लाभार्थी चंद्रपाल ने बताया कि मेरी दोनों बेटियों को जन्म से ही नहीं दिखाई देता था, मेरा फेरी का काम है जिसमें 9 लोगों के परिवार की रोजी रोटी ही मुश्किल से चल पाती है, गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पा रहा था। एक दिन मैंने रास्ते में अनाउंसमेंट होते हुए सुना, तब मैंने कार्ड बनवा कर दोनों बेटियों की एक आँख का ऑपरेशन कराया, अभी दूसरी बेटी का निःशुल्क ऑपरेशन कराऊंगा। 15 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें से 7 मेडिकल कॉलेज के प्रवेश प्रारंभ हो गए। बधाई जौनपुर, ये दोनों सरकारी अस्पताल, और साथ ही साथ जौनपुर अभी पाइपलाइन में, लेकिन बधाइयों में प्रारंभ हो गया। ये आपके 5 मेडिकल कॉलेज हैं, बस्ती है, बहराइच है, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या। इन 5 मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ हो गए और एक बहुत बड़ा चिकित्सा क्षेत्र में ये उपलब्धि है कि 1947 से लेकर 2016 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, और एक साथ 15 मेडिकल कॉलेजेस जमीन पर उतारे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 14 मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव भारत सरकार को गया हुआ, जो शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगा। आज 23 सितंबर है, आज ही के दिन प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना को लॉन्च किया था, और ये आयुष्मान योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। जो इस योजना में नहीं आ पाए, अर्थात इस योजना का लाभ जिन लोगों को नहीं मिल पाया और वो पात्र थे, वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, और शाहजहांपुर से लगभग 4400 लोगों से अधिक हैं कि जो इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पाए गए। अभी तक शहरी क्षेत्र में 997 लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र में 3422 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। ये अपने आप में एक बहुत अभिनव योजना है। लोगों के सामने अंधेरा छा जाता था जब उनको अपनी बीमारी और इलाज के पैसे के बारे में पता चलता। मैं समझता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि जिन्होंने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस प्रदेश में चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था की। धन्यवाद।